और हम लोग उठ नहीं पाए क्योंकि इतना थक गए थे ना। ठीक है, मैं नहीं उठ पाई। पानी देखो यार, जो हमने कल बीच देखा था उसका पानी कैसा था। मार्केट में कर लिया शॉपिंग, इसी के जस्ट सामने है काजू की शॉप। रहे वो सारे शैक्स जो मुझे देखने थे, और पर लगे रहेंगे बालों में। मैंने कहा इनके भी बनाओ। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कल हम लोग व्लॉग एंड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हम वापस आए, हमने थोड़ा सा पूल इंजॉय किया और फिर हम सो गए। सो अभी गुड मॉर्निंग, फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग के साथ आज हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए हैं। 8 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, उसमें एक रोड है जिस पे आलिया भट्ट स्कूटी से आती है और उस रोड को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरा जब से हम गोवा आए थे, मेरे चेकलिस्ट में ये था कि मुझे यहाँ जाना है। काफ़ी लोगों को देखती थी रील्स बनाते हुए, कंटेंट क्रिएट करते हुए उस रोड पे। मेरा काफ़ी मन था कि हम लोग वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं डियर जिंदगी वाली रोड पे, है ना? Yes. और सबसे अच्छी बात वो हमारे होटल से कि हम लेट हो गए हैं, हमें सुबह जाना था 5:30 बजे। हमने एक्चुअली सनराइज देखना था वहाँ पे और हम लोग उठ नहीं पाए क्योंकि इतना थक गए थे ना। ठीक है, मैं नहीं उठ पाई। आए बड़े तो उठ नहीं पाए हम लोग, और हमारा सनराइज तो मिस हो गया। बट बारिश भी हो रही थी, ठीक ही है, नहीं उठे नींद खराब हो जाती। बट अब चलते हैं डियर जिंदगी वाली रोड पे, आप लोगों को दिखाते हैं। और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है हमारी प्रॉपर्टी से, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो चलते हैं, लेट्स गो। ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस रोड को देखने की मुझे, बट वो रोड ना एग्जैक्ट आई नहीं है। वो सीधी सीधी रोड जहाँ पे आलिया भट्ट स्कूटी चला रही होती है, यहाँ से राइट ले लो, राइट टर्न ले लो। और अब राइट टर्न लेते ही आई गेस हमारी वो वाली रोड स्टार्ट हो जाएगी। यस यस, ये ले। गाइस वो चर्च दिख रहा है जितने डियर जिंदगी देखी है मूवी, ये चर्च से याद आएगा। छोटा सा चर्च है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जिसने मूवी ध्यान से देखी है उसने आलिया भट्ट के पीछे वो चर्च ज़रूर देखा होगा। यही वो चर्च है, अगर खुला होगा तो यहाँ ज़रूर जाएंगे हम। तो गाइस ये डियर जिंदगी वाली रोड पे आ चुके हैं हम। यार यहाँ तो सारी ना क्रेजी क्रेजी सारी लड़कियाँ ही हैं, सारी लड़कियों को यहाँ पे आना है, रील वगैरह बनाना है, वीडियो शूट वगैरह करना है। तो हम भी आए हैं भाई फोटो शूट करने यहाँ पे। और ये समझ लौंडे ग्रुप क्या कर रहे हैं, सारे लड़कियाँ देखने आए हैं सारे। तो और इस रोड की एक ये बात है, स्कूटी वगैरह ना पार्क करना अलाउ नहीं है। तो अभी हम खड़े थे, किसी ने पार्किंग वाले ने आके बोला कि सर स्कूटी मत लगाओ, चलान वगैरह कट जाएगा। तो भाई पहले तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखी है स्कूटी, यहाँ सारे आते ही स्कूटी चलाने के लिए, यहाँ भी स्कूटी का बोल रहे चलाने नहीं है। तो ये मैडम आ रही है हमारी। गोवा आके भी अभी तक कोकोनट वाटर नहीं पिया हमने।
आप पियेंगे आते आते, ठीक है? मैं तो ऐसी नहीं पीती, तुम पीते हो। तो गाइस अपना कौन सी रोड थी वो, पैरा विलेज वाली रोड के बाद आ गए हम यहाँ सिंकेरियम बीच। अपने होटल का ये नियरेस्ट बीच है और काफी ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, काफी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे, काफी सुंदर है। और बीच, इस बीच की स्पेशल बात यह है कि बीच काफी साफ सुथरा है और पानी यहाँ का काफी क्लियर है। तो नीचे चलते हैं फिर आपको बीच दिखाते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं एंजॉय करते हैं। यहाँ से सीधे जाओगे फोर्ट है, ये भी आपने काफी रील्स में देखा होगा, काफी रील्स में ये जगह वायरल रहती है। ये लोअर अगोडा फोर्ट है, अब एग्जैक्टली क्या जगह है पता नहीं, बट लोअर अगोडा फोर्ट लिखा है, वो फोर्ट अलग था, ये फोर्ट अलग है, बट ये भी काफी ट्रेंडिंग और वायरल फोर्ट है। पानी देखो यार, जो हमने कल बीच देखा था उसका पानी कैसा था, इसका कितना क्लियर ज्यादा है, ये बीच उससे ज्यादा क्लियर भी है। तो लेट्स गो, नीचे चलते हैं एंड लेट्स एंजॉय। तो यार बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, पर आपको बोला था बीच है ये वाला सिंकेरियम बीच, जो हमारे सिंक्यू से सबसे ज़्यादा क्लोज है सिंकेरियम, और बीच तो आपको मैंने ऊपर से दिखाई दिया कितना सुंदर है। तो हमने कहा इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी ब्रीजर बियर कुछ पी लें। चीयर्स, आओ सबके साथ चीयर्स पीते हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। किसी को ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, कुछ खाने का चाहिए, बच्चों को बैठना है अंदर तो यहाँ पे है, थोड़ा और कंफर्ट में बैठना है तो अंदर जाके बैठ जाओ। बाकी ये सारी सीट्स भी इसी की प्रॉपर्टी की हैं, तो आराम से आप यहाँ भी बैठ सकते हो। वो कुत्ते नहीं कर रहे थे ऐसे 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 पंजे करके खोलते कर रहा है ना, वो कर रहा है। ओहो, इसने तो पूरा ही गड्ढा किया हुआ है। ओके तो यार बीच में तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, अब एकदम फ्रेश फ्रेश फिर से उठे हैं और अब जा रहे हैं हम एक और पार्टी की तरफ। यस, आज है हमारा गोवा का लास्ट डे, लास्ट डे नहीं बोलूंगा, आज हमारी गोवा की लास्ट नाइट। और लास्ट नाइट हमने सोचा कि यार हम गोवा में सब जगह घूम लिए, बट मैडम जी ने बोला कि गोवा में ना वो तुमने वो लाइट्स वाला बीचेस जहाँ पे भीड़ होती है, बीचेस में शैक्स होते हैं, डांस हो रहा होता है, हर बीच पे गाने वाने चल रहे होते हैं, वो वाला बीच कहाँ है? तो मैंने कहा चलो यार आज कोई क्लबिंग व्लबिंग नहीं जाना, आज हमने कोई वैसी जगह नहीं जाना, आज हम चलेंगे गोवा के बागा बीच के शैक्स पे। तो आपको भी दिखाते हैं कि गोवा के बागा बीच पे लोकल माहौल क्या होता है। तो आज हम लोकल शैक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट वहाँ भी बहुत मज़ा आता है और बहुत बढ़िया वाइब होती है। तो अरे नानी का ही कॉल आ रहा है, चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग आ गए तिब्बतन मार्केट में, तो अब चलते हैं मार्केट में और देखते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि गोवा की ये भी काफ़ी फेमस मार्केट है, जिसको हैंडीक्राफ्ट वगैरह सामान चाहिए होता है सारा यहीं से लेते हैं, बार्गेनिंग वगैरह यहाँ चलती है। तो आओ बार्गेनिंग करो अपनी स्किल्स है, आओ चलो देखते हैं यहाँ से चलते हैं। यहाँ पता है सारी हैंडमेड ज्वेलरीज बनती हैं। अब बोलो, सारी ज्वेलरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। चलो आओ आगे चलते हैं। सारे बैग्स वगैरह की वैरायटी है बच्चों के लिए। बड़े हैंड बैग्स, साइड बैग्स, स्लिंग बैग्स, सारी ए टू जेड सारे जितने बैग्स चाहिए ये है, हेम बैग्स भी हैं, ज्वेलरी वगैरह।
कुछ वॉल हैंगिंग चाहिए वो भी है। छोटी सी मार्केट है, कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, बट काफ़ी सारी शॉप्स हैं और आपको जो भी लोकल एसेसरीज चाहिए सारी मेजरली आपको यहाँ पे मिल जाए। तन मार्केट में कर लिया शॉपिंग, इसी के जस्ट सामने है काजू की शॉप, अब वहाँ पे आ गए। हमने कहा गोवा आए हैं और गोवा की ना स्पेशल चीज़ है काजू। गोवा हो गया आपको काजू की शॉप्स इतनी ज़्यादा दिखेगी ना, सही है। अब रेट अगर मैं आपको काजू के बताऊँ ना तो भैया कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 500 से काजू स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं सीधा लास्ट बताओ, 1000 रुपये तक। ठीक है, मैं शॉप का एड्रेस डाल दिया आपकी टेंशन मत लो। तो गाइस एक काजू और एक दूसरी चीज़ जो काजू से ही बनती है, काजू के छिलके से बनती है, वो है फैनी। अगर आप फैनी पियोगे ना वो काजू के छिलके से बनती है और वो यहाँ की खतरनाक ड्रिंक है। 40-50 रुपये की एक बोतल आ जाती है, अगर किसी ने एक बोतल पी ली ना मेरी गारंटी है वो उस रात उठ नहीं पाएगा। तो चलो चलते हैं और अपने काजू लेते हैं। शॉपिंग डन हो गई है और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं घर वालों के लिए, अपने लिए भी, और देखो हम यहाँ भी क्या खा रहे हैं बैठे हुए, मोमो। बट ये चिकन है इनके, हमारे अभी आ रहे हैं, अभी खा के टेस्ट मैंने खाती हूँ। देखो ये लिया मैंने, मैंने फ़ोन किया, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये इनकी पसंद का है, इन्हें पसंद आया भाई, तो मैंने कहा चलो लिया जाए। फाइनली हम लोग बागा बीच पहुंच गए हैं और ये रहे वो सारे शैक जो मुझे देखने थे, और पता है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो वीडियो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ये व्यू। और ये व्यू देखो ज़रा, बॉडीगार्ड वाली फील आ रही है तुम्हारी, देख कैसी वाली। ग्लास फटी है, ले चले क्या कर, मैं तुम्हारा चीयर्स कर। मेरे को बदतमीज, मीठी है, अच्छी है, मैं चेक करूंगी, सेम सामान है और सब फिर सब का। अरे क्या पता वो आ जाए, मैं करा लूंगी वो। तो अब रात को करा के क्या करूंगी, कल तो चले ही जाते, तो क्या और काम क्या, लगे रहेंगे बालों में, पता चलेगा वो होकर आए। बच्चों को मना करते हैं नहीं करवाना मैडम है तो हमारे लिए ना वहां पे ये टीचर है, किड्जेनिया गए थे हम लोग, हमारे लिए ये था वहां पर, ये था नेल आर्ट सेशन था। गाइस ये सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, जबरदस्ती बनवाया मैंने इसका। जो लोग जानना चाह रहे हैं कितने का होता है यार, 100-150 रुपये, इससे ऊपर कहीं नहीं होता, इससे ऊपर हो तो मत ही करवाना, 100-150 में हर जगह आराम से होता है। आप दिखाओ लोग कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है मुझे तो, दोनों साइड पता नहीं, पहली बार बनवाया है ऐसा, अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरा बना तो मैं ये इस मैडम को कैसे छोड़ सकती हूँ, मैंने कहा इनके भी बनाओ, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अच्छी भी लग रही हूँ कि जोकर लग रही हूँ। 1 hour later यो 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 यो
अब एक ड्रिंक पी के दिखाओ एक बार सब वो वाली नहीं नहीं मैडम ना मान रही है। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने पोछो और आप लोग सोच रहे होगी एक्सचेंज कैसे हो गया है। ये तो ये इनकी प्लानिंग थी। बुद्धा जी को नमस्कार करेंगे हम। नमस्कार। नमस्ते बुद्धा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अभी गुड नाइट हो रही है। गुड नाइट है क्या? टाइम क्या हो गया? अभी जस्ट 2:00 हुए हैं। कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो। मुझे सब दिख रहा था, कोई बड़ा बड़ा सब दिख रहा है। हाँ मुझे सब दिख रहा है। तो गाइस, बागा बीच आपको कैसा लगा यार, जरूर बताओ। अगर गोवा हो गए तो बागा बीच जरूर जाना। और ये जरूर आना नहीं, गोवा के अंदर सबसे ज्यादा फेमस ही बागा बीच है। तो गोवा हो गए, बागा बीच जाओ और वहाँ पे जाके एंजॉय करो। और हमारी देख के ना मजा आ जाएगा। बस हमारा आज डे 5 है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अगर गोवा हो गए तो डे वन में जाओ बागा बीच, या डे टू लास्ट में नहीं, डे वन या डे टू बागा बीच जरूर जाना। पार्टी भी हो गई यार धमाकेदार। हमारा लास्ट डे गोवा में बहुत अच्छा था। लास्ट डे गोवा का बहुत बढ़िया रहा। और इस होटल की सबसे बढ़िया, इस रिसोर्ट की या क्या है जो भी है, इस पार्टी होटल की सबसे बढ़िया बात यही है कि यार तुम नीचे आओ, पार्टी करो, पूरा पार्टी का माहौल, रूम में जाओ, तुम ज्यादा ड्रंक हो, तुम ड्रंक नहीं हो, जो भी हो तुम सेफ हो, अपने होटल में जाओ। आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, ये देखो पहले तो This is guys Sinqueue Party Hotel and this is the first India's first party hotel in Goa. तो भाई वाइब अलग है। तो guys इसी के साथ ना, तुम्हें पार्टी कैसी लगी यार जरूर कमेंट करके बताओ। और हम Goa series कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। कल हमारा यहाँ से चेकआउट है और कल हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। आपको यहाँ से गोवा से गोवा का मौसम बताते हुए जाएंगे, दिल्ली पहुंच के दिल्ली का मौसम बताएंगे। क्या तो फील हुआ हमें दिल्ली के मौसम के बाद, ये भी बताएंगे। गोवा वर्सेस दिल्ली का आपको जरूर बताएंगे कैसा माहौल है और कैसा वेदर है। तो मिलते हैं सबको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, लव यू।